अब चल ये तुम यही रहोगे, चलो भाई। अबे छोटे भाई क्या सोच रहे तू? भाई मैं ये सोच रहा था भूत देखने में कैसे लगते हैं। अच्छा यार तुमने भूत नहीं देखे हुए? नहीं भाई मैंने तो नहीं देखे, पर मैंने भूत देखे हुए। भाई भूत कैसे लगते हैं? वो तुम्हारे जैसे लगते हैं। oh, no, no. अच्छा तुम तैयार हो जाओ, हम अपने खेतों की तरफ चलते हैं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, बड़ा मजा आएगा। अच्छा भाई मैं पानी पी लूं, फिर चलते हैं। आज मैं अपने भाई को डराऊंगा और बड़ा मजा आएगा। अबे भाई जल्दी भी आ जाओ, कहाँ रह गए हो? लो भाई मैं तो आ गया। भाई खेत कितने प्यारे हैं। तुम इधर रुको मैं अभी आया। अभी भी अपने भाई को डराऊंगा। पता नहीं मेरा भाई किधर चला गया है। भाई तुमने मुझे डरा दिया था। मैं फिर छुपता हूँ, तुमने मुझे फिर ढूंढना है। ठीक है अब तो मैं नहीं डरूंगा। अबे वाह आज तो मजा ही आ गया, दो दो शिकार। भैया तुम कहो, जवाब दो। इसको मैं अपना शिकार बनाता हूँ और फिर इसके भाई को बनाऊंगा अपना शिकार। पता नहीं यार मेरा भाई कहाँ छुप गया, नजर नहीं आ रहा मुझे। छोटे भाई अब तुमने बहुत छुप लिया, जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। है कोई अल्लाह का नेक बंदा जो मुझे इस रस्सी से आजाद करा दे, मेरी मदद करो, मुझे जालिम भूत ने बांध दिया है। जालिम भूत मुझे लगता है तेरा आखिरी वक्त आ चुका है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, एक दफा मुझे इस रस्सी से आजाद हो लेने दे। अबा जी आप कौन है, आपको रस्सी से किसने बांधा है? बेटा मैं यहाँ खेती बाड़ी करता हूँ, मुझे जालिम भूत ने इस रस्सी से बांध दिया है। बाबा जी ये आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पे भूत भी है? हाँ बेटा यहाँ भूत भी है, जहाँ जो कोई भी आता है भूत उसको नहीं छोड़ता, भूत उसको खत्म कर देता है। बाबा जी ये बातें आप छोड़े, आपने मेरे भाई को तो नहीं देखा कहीं? बेटा अगर तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं ना मिल रहा, यकीनन वो भूत के हाथ लग गया होगा। बाबा जी मेरा भाई मुझे सुबह से नहीं मिल रहा, मैं अपने भाई को कहाँ से तलाश करूँ और कहाँ होगा? मैं उस भूत का मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? तुम उसका ऐसा नहीं मुकाबला कर सकते, वो सामने देखो दरख्त, उसकी टहनी के ऊपर तस्बीह लटकी हुई है, ये तिलिस्मी तस्बीह है, यही वो तस्बीह है जिससे तुम उस भूत का मुकाबला कर सकते हो। वो तस्बीह ले जाओ और अपने हाथ में तस्बीह करके अल्लाह का नाम लेना, वो भूत वहीं खत्म हो जाएगा। जाओ बेटा कहीं लेट ना हो जाए। बेटा अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, अल्लाह तुझे कामयाब करे, जब वो भूत खत्म हो जाएगा तो मेरी रस्सी भी खुल जाएगी और मैं भी आजाद हो जाऊंगा। चलो ये तिलिस्मी तस्बीह तो मेरे हाथ लग गई है, अब अल्लाह करे मेरा भाई खैरियत से हो। इस लड़के को तो मैंने बेहोश कर दिया है, अब इसके बड़े भाई को मैं पकड़ूंगा और उसको भी अपने कब्जे में करूंगा। बड़े आए सैर करने वाले, उस बुड्ढे को भी मैंने नहीं छोड़ा, वो भी बड़ा अपने आप को शक्तिशाली समझता था, उसको नहीं पता कि इस भूत की कितनी ताकत है। अबे लड़के मैं तो तुझे ढूंढने आया था, तू तो खुद ब खुद ही मेरे सामने आ गया है। अबे भूत बता मेरा छोटा भाई कहाँ है? वो तो मेरे कब्जे में है, अब तुम्हें भी अपने कब्जे में करूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। तुम्हारे जैसा एक बाबा भी था, वो भी मुझे बढ़िया धमकियां लगाता था, उसका भी मैंने काम तमाम कर दिया है, अब मैं तेरा भी काम तमाम कर दूंगा। या अल्लाह मेरी मदद कर। उस बाबे ने भी बड़े हरबे लगाए थे, मुझे बड़ी छू छू करता था पर मुझे कुछ नहीं हुआ। ये मुझे क्या हो रहा है? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अबे छोटे भाई ऊपर उठो। भाई मैं यहाँ कैसे आ गया? यहाँ तुम्हें भूत लाया था। भाई वो भूत बहुत डरावना था। चलो अब बाबा जी के पास जाते हैं। तुम बड़े बहादुर हो जो तूने भूत का डट के मुकाबला किया और उसको खत्म कर दिया, बड़ी मेहरबानी तेरी, तू
तूने मेरी भी जान बचा ली और अपने छोटे भाई की भी जान बचा ली, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बाबा जी मुझे शुक्रिया आपका अदा करना चाहिए जो आपने मुझे इतनी तस्बीह दी है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, तूने अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह ने हमारी मदद की है। बेटा ये तस्बीह मुझे वापस दे दो और तुम घर जाओ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी और उस छोटे बच्चे की जान बचाई। अल्लाह अकबर।